नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद विपक्ष की एकजुटता देख मोदी सत्ता की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद अब हरकत में आ गए हैं, उन्हें भी टेंशन हो गई है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी की सांसदी छीनने वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा, उन सबको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। जैसे ही कांग्रेस ने एक्शन लेना शुरू किया, तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो गई। सड़क से लेकर संसद तक में यह शोर सुनाई पड़ रही है, विपक्ष एकजुट हो गया है और भाजपा वालों की नींद उड़ी हुई है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो यह है कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर गाज गिराने के मूड में है और इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। मतलब यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। यह चौंकाने वाली खबर सामने आई है क्योंकि कांग्रेस ने जब से यह ऐलान किया है कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, मोदी सत्ता की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे और गांधी जी के स्टाइल में अहिंसक ही सही लेकिन कार्रवाई तो भरपूर करेंगे, और अब करारा जवाब मिलने लगा है। देखिए कैसे। पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लेकर कार्रवाई हुई, गोदी एंकर सुधीर चौधरी पर शिकंजा कसा गया और अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला निशाने पर आ गए हैं। ओम बिरला ने ही तो बहुत ही आनन फानन में लोकसभा सचिवालय से एक आदेश जारी किया और राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर आज तक की यह खबर देखिए, यहां पर सारी तस्वीर आपको स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस किस आक्रामक मूड में है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी भी अब हरकत में आ गए हैं, टेंशन में आकर अपनी पार्टी के सांसदों को तैयार रहने को कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। आज तक ने लिखा है, राहुल की सांसदी जाने के बाद विपक्ष एकजुट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर गाज गिर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के क्या फॉर्मूले होते हैं? 50 सांसद अगर एक साथ अगर यह कह दे कि हम इस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो यह मंजूर हो जाएगा। और ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की नींदें तो उड़ी ही उड़ी हैं, दूसरी तरफ पूरी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी भी अब टेंशन में दिखाई पड़ने लगे हैं क्योंकि विपक्षी एकजुटता का मतलब है कि कहीं ना कहीं देश में बड़े परिवर्तन की ओर इशारा, और यह जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि 2024 दूर नहीं है। इस संबंध में ओम बिरला के संबंध में क्या खबर सामने आई है हम आपको वो थोड़ा डिटेल में बताते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस आशंका के बीच किस तरीके की तैयारी करने का निर्देश दिया है वो भी हम जानकारी देंगे। पहले जरा ओम बिरला पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आज तक ने लिखा है, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। यहां से देख लीजिए, ओम बिरला पर निशाना है। ऐसी चर्चा है कि ओम बिरला चाहते तो अभी वो कार्रवाई थोड़ी दिन के लिए टाल सकते थे, ये उनके हाथ में है। हालांकि वकीलों का कहना है कि जैसे ही 2 साल से अधिक की सजा होती है, जनप्रतिनिधि कानून जो बना हुआ है उसके मुताबिक अपने आप किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है। ऐसे में यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा है, बावजूद इसके लोकसभा स्पीकर अपनी विवेक का प्रयोग कर सकते थे और यहां पर ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि मानो वो कितनी जल्दबाजी में है और जैसे वहां से निर्देश आए, अगला निर्देश यही देना है कि लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की छीन ली जाए और उन्होंने आदेश जारी कर दिया। आनन फानन तो इतना हुआ है कि कैसे राहुल गांधी से बंगला भी छीन लिया गया। खैर, आगे जरा देखिए कांग्रेस सूत्र के हवाले से खबर क्या है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ
सोमवार यानी 3 अप्रैल को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। यानी ओम बिरला के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है। जो स्पीकर वहां कुर्सी पर बैठकर लोकतंत्र को इस हिसाब से कुचलता हुआ देख ले तो समझिए उसके खिलाफ विपक्ष अगर एकजुट हुआ है तो आगे की कार्रवाई कितनी बड़ी हो सकती है। अब 50 अगर सांसद एक साथ आ गए हैं, अगर तमाम 14 से 15 विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाएं तो 50 सांसद तो आराम से हो ही जाते हैं। और ऐसे में ये सब अपनी ताकत दिखाने वाले हैं तो जरा सोचिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थिति में अभी होंगे। स्पीकर हटाने की प्रक्रिया क्या है जरा देखिए। लोकसभा स्पीकर को सदन में बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 94 और 96 में है। संविधान के मुताबिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए लोकसभा स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष अब लोकसभा में इसलिए स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है जिससे उन्हें पद से हटाया जा सके, क्योंकि यहां पर लोकसभा स्पीकर की भूमिका को लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई तो हो ही सकती है, निश्चित तौर पर होने वाली है। मामला क्या है, क्या कहना है विपक्ष का जरा वो देखिए। आज तक ने जानकारी दी है कि विपक्ष स्पीकर ओम बिरला पर राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं देने और विपक्ष की आवाज दबाए जाने का आरोप लगा रहा है। विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर भी हमलावर है। विपक्षी दलों ने संसद में भी स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो ऐसे में ओम बिरला अब बुरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से जवाबी कार्रवाई करने के मूड में आ गई है उसमें कोई भी बचता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब थोड़े टेंशन में दिखाई पड़ते हैं। इसको लेकर कई जगह खबरें भी चल रही हैं कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भाजपाइयों को कहा कि हम लोगों का कद जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे विपक्ष जो है हमलावर है और इसके लिए हमें मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को जागरण ने छापा है। सांसदों से बोले पीएम मोदी, विपक्ष अभी और निचले स्तर पर हमला करेगा, मजबूत लड़ाई के लिए रहें तैयार। जरा देखिए खबर में और क्या कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। मंगलवार को संसद परिसर में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि पार्टी जितना अधिक उठेगी और सफल होगी विपक्ष के हमले उतने ही ज्यादा होंगे। और यहाँ विपक्ष के हमले इसलिए नहीं हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत सफल हो गई है या बहुत ऊंची उठ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सत्ता ने लोकतंत्र का गला जिस हिसाब से घोटना शुरू किया है उसके खिलाफ बिगुल फूंका गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर मोदी सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहा है और हर उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में विपक्ष के पास ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि इस मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी से सांसदी छीन ली गई तो वैसे कई मामले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी लग सकते हैं। तो कांग्रेस ने अपनी लीगल टीम से कहा भी है कि हम चुप क्यों बैठे, ऐसे लोगों को ढूंढिए और उन सब पर जवाबी कार्रवाई कीजिए। तो वक्त आ गया है कि ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई कांग्रेस करने जा रही है और देखिए कैसे लोकसभा स्पीकर पर गाज गिराने की तैयारी है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसका बड़ा असर पड़ने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे भाजपाइयों के होश उड़े हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।